जबलपुर स्थित नर्मदा नदी के झुलहरी घाट में उस वक्त कोतूहल मच गया जब घाट पर स्नान कर रहे श्रद्धालुओं को नदी में पत्थर तैरते हुए दिखाई दिए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खासी वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि पत्थर नर्मदा नदी में तैर कर कहीं से आए हैं, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर निकली। दरअसल कुछ लोग अपने साथ पानी में तैरने वाले पत्थर लेकर नर्मदा घाट पहुंचे थे और वहां उन्होंने नर्मदा नदी में पत्थरों को डाल दिया, जिसे देखने के बाद लोगों में उत्सुकता बढ़ी और उन्होंने वीडियो बना लिए और इसे राम सेतु के पत्थर माने लगे। हालांकि पानी में पत्थर तैरने का जितना धार्मिक महत्व है, उससे कहीं ज्यादा इसका वैज्ञानिक तथ्य भी है। साइंस कॉलेज के प्रोफेसर का कहना है कि अमूमन ज्वालामुखी के लावा से जो पत्थर बनते हैं और जिस पत्थर का घनत्व पानी से कम होता है, वह पत्थर पानी में आसानी से तैर जाता है। ऐसे पत्थरों में बहुत सारे छेद होते हैं, जिन्हें क्यूमिक स्टोन भी कहा जाता है। नर्मदा नदी में पत्थरों का तैरने का कोई भी धार्मिक महत्व नहीं हो सकता। यह पत्थर या तो कोई शख्स वहां लेकर आया है या फिर किसी अन्य वैज्ञानिक कारण से पत्थर वहां पहुंचते हैं। मैं यहां जबलपुर के गिलहरी घाट पे स्नान करने आई हूं। यहां पे ये दो पत्थर आप देख रहे होंगे, ऐसे आप नॉर्मली पत्थर को डालेंगे तो पानी में डूब जाता है, लेकिन ये आपको दिख रहा होगा तैरते हुए, क्योंकि ये नॉर्मल पत्थर नहीं है, ये रामेश्वरम से आया हुआ जो श्री राम का लिखा, श्री राम जी ने जब पुल पार किया तब पूरी वानर सेना के साथ वाला पत्थर है। वही झुलहरी घाट में रहने वाले नाविकों का भी कहना है कि कुछ लोग सुबह के वक्त अपने साथ पत्थर लेकर आए थे। उन्होंने नर्मदा नदी में पत्थरों को डाला और कई घंटों तक पत्थरों से खेलते रहे और उसके बाद उन्हें पत्थरों को अपने साथ ले गए। नर्मदा नदी में आज तक तैरने वाली पत्थरों को नहीं देखा गया।